जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए टॉपिक पे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैं फौजी नहीं हूँ, ये सॉरी। आज मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ अपने बारे में और मैं ये बताने वाला हूँ, बहुत सारे मेरे वीडियो आए हुए हैं आपके पास और मैंने डाला भी है कि मैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ किस बेस पे देता हूँ। एक्चुअली मैं ऐसा होता है ना कि जो ये बच्चों को, फौजी बच्चों को ट्रेनिंग देना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। सीधी सी बात आप जानते हैं, अगर इतना बच्चा सिलेक्ट होता है, अगर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, इतना बच्चा हम लोग फोटो डालते हैं, माला में फोटो डालते हैं, बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि हम कोई नॉर्मल होंगे, कोई हमने सीखा नहीं होगा, ऐसे ही आगे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे मेरे को कई बातें सुनने को मिली, तो मैंने सोचा आप लोगों का जो थोड़ा डाउट है वो क्लियर कर दूं। मैं किसी के बारे में बात करने वाला नहीं हूं, सिर्फ अपने बारे में बात करने वाला हूं कि मैं किस बेस पे ट्रेनिंग कराता हूं। सबसे पहले तो अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप उस बारे में बात नहीं करेंगे। अगर मुझे मैथ नहीं आती है तो मैं मैथ का टीचर नहीं बन सकता हूं, मैं मैथ बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए होगे। अगर मुझे फिजिकल एजुकेशन के बारे में आता है, फिजिकल कराना आता है, अगर मैं उस दौर से गुजरा हूँ, उस चीज के बारे में जानता हूँ, फौज के बारे में जानता हूँ, फौज के बारे में मैंने प्रैक्टिस की है, फौज में मैंने भर्ती देखी है, फौज के बारे में मेरे अंदर जोश और जुनून है, तभी मैं जाके ये टी शर्ट पहनता हूँ और कैप पहनता हूँ। अगर किसी के अंदर, मैं ये कहता हूँ कि कोई डॉक्टर होता है तो वो तो नहीं वर्दी पहन लेता है, वो तो फौज की वर्दी नहीं पहनता है, उसको किस चीज का जुनून है। लेकिन हमें जुनून है, इस इंडियन आर्मी का जुनून है। हम तैयारी करते थे और नहीं हुए किस कारण, बस 1000 बच्चा तैयारी करता है और सिर्फ 50 बच्चा फाइनल सिलेक्शन होता है, तो क्या 999 के अंदर जुनून नहीं था? जुनून था दोस्तों, बसरते किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। तो क्या हमें वो सीख नहीं मिली, हमने वो नहीं जाना, क्या हम उन बंदों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। कोई फौज का रिटायर बंदा ही बच्चों को प्रैक्टिस नहीं करा सकता है। अगर भारत सरकार ने फिजिकल एजुकेशन की डिग्रियां लॉन्च की हैं, फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया है, तो उन डिग्रियों को लेकर आप भी फिजिकल करा सकते हो। और इंडिया में कोई जरूरी नहीं है कि कोई फौजी भाई ही ट्रेनिंग कराता हो दोस्तों। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की डिग्रियां लेके बीपीएड, एमपीएड, एनआईएस करके लोग हजारों बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओलंपिक के लिए कोई फौजी भाई नहीं तैयार कर रहा है, एनआईएस कोच तैयार कर रहे हैं, बीपीएड वाले बंदे तैयार कर रहे हैं। और हमारा जो बेस होता है ना, यहाँ से तैयारी कराने के बाद एक एनआईएस कोच और बीपीएड कोच बच्चों को तैयारी कराता है, वो फौज में भर्ती होता है, फिर वहां जाके एक अच्छा कोच जो एनआईएस कोच होता है वो उनको तैयारी कराता है, इसके बाद वो ओलंपिक खेलता है। और ऐसा नहीं है, अगर ये वर्दी मैं पहन भी लेता हूं ना, तो यहां पर मैंने ये वाली डिग्री भी की थी। आप समझते हैं कि जिस बंदे ने एनसीसी की होती है उसको 50% ट्रेनिंग फौज की मिल चुकी होती है, और मैंने ए और बी और सी की हुई है, और न जाने कितने कैंप किए हुए हैं, मैंने फायरिंग की हुई है, हथियार के बारे में सीखा है, सारी चीजें सीखी है। इसके बाद अगर नहीं जानते हो तो मैंने फौज की भी तैयारी की है, आर्मी की भी तैयारी की है, और कई बार रेस क्वालिफाई हुआ हूं, कई बार मेडिकल क्लियर किया हूं, मेरिट से बाहर हूं, समझ गए दोस्तों आप। और इसके बाद अगर यहां तक सीमित नहीं है तो मैंने एक फिजिकल एजुकेशन का जो बीपीएड होता है उसकी डिग्री मैंने ले रखी है, और एनआईएस जो होता है उस पे मैं अपेयरिंग पे हूं। इतनी डिग्री होने के बाद भी मेरे पास स्पोर्ट्स मैंने किया, ठीक है, न जाने कितने प्रूफ देने की बात नहीं है, न जाने कितने वीडियो डाल चुका हूं, मेरे न जाने कितने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट दिखा चुका हूं, मेडल दिखा चुका हूं, कोई बनावटी नहीं है, सैकड़ों सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, देख लीजिए आप। किसी को अगर लगता है आप लोकल बनवा सकते हैं एक या दो, मेरे पास सैकड़ों लोकल तो नहीं बनवा सकता हूं मैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो। स्पोर्ट्स किया है और स्पोर्ट्स के साथ साथ जुनून जगा आर्मी का, आर्मी के साथ साथ एनसीसी का, एनसीसी के साथ साथ जब नहीं हुआ बीपीएड का, इसके बाद इसका, समझ गए दोस्तों। तो जुनून था, स्पोर्ट्स में था, लेकिन एक देश जब वर्दी देखते थे ना तो रुए खड़े होते थे। स्पोर्ट्स के साथ साथ हमने सोचा, इसके साथ साथ हमने सोचा कि हमें आर्मी में जाना है, और मैंने वो किया।
लेकिन नहीं मंजूर था, नहीं जा पाए, किसी कारण नहीं जा पाए। लेकिन आज सैकड़ों बच्चे मेरे तैयार किए हुए इंडियन आर्मी में नौकरी करते हैं। क्या सम्मान नहीं करता हूं? क्या हमारी फैमिली में नौकरी में नहीं है? इंडियन आर्मी में नहीं है? बताइए, हमारे साथ फौजी जुड़े हुए हैं, फौजी भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं, उनका सम्मान करते हैं, बच्चे भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। अगर मेरे पास आज सैकड़ों बच्चे आते हैं, अगर उनको रिजल्ट मिलता है तभी मेरे पास दोस्तों आते हैं, ऐसे कोई नहीं आएगा। मैं कहता हूं कि जिसको मेरे बारे में जानना है वो ग्राउंड पे आ जाए। आपको परमिशन है, आप ग्राउंड पे आके हमारे बच्चों से मिल लो, आसपास के लोगों से मिल लो, जो सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों से मिल लो कि मेरा बर्ताव क्या है। और बच्चों को हमारा, मेरे स्टूडेंट है, मैं उनका कोच हूं, पनिशमेंट करने का मेरा हक है। अगर वो गलती करेंगे, बड़ी गलती करेंगे, तो मैं पनिश करूंगा उन बच्चों को, ये मेरा हक है। और एक ये गुरु का हक होता है, एक ट्रेनर का हक होता है। आज अगर मैं यूट्यूब पे हूं, मैं सोशल मीडिया पे हूं, मैं अगर फेमस हूं तो ऐसे नहीं हूं। अगर जब बच्चा सिलेक्ट होता है तभी मेरे पास आता है, तभी मेरा नाम होता है। मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। और वर्दी पहनने की अगर बात होती है तो हमारे अंदर इतना जुनून है यहां से यहां तक, तो हम क्यों वर्दी नहीं पहन सकते? लोग यहां रिक्शा चालक वर्दी पहनते हैं, जिसको देश के बारे में जुनून नहीं है वो बॉलीवुड अभिनेता वर्दी पहनते हैं। यहां तक कि हमारे जो देश के नेता हैं वो भी वर्दी पहनते हैं। क्या उनके अंदर जोश और जुनून नहीं है? होगा, तभी तो पहनते हैं। मैं बोलता हूं ये बॉलीवुड के जितनी भी मूवी बनती है, ये कौन से फौज से रिटायर है जो उनको वर्दी पहनने का हक है? हक है दोस्तों, हमारे इस संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जिसको ये लगता है तो आप जाके हाई कोर्ट में पूछो, जाके आप वो करो कि अगर सिविलियन को वर्दी पहनना नहीं अलाउ है तो मार्केट में वर्दी क्यों बिकती है? फौज के कलर की टी शर्टें क्यों बिकती है? कमांडो लिखा हुआ टी शर्टें क्यों बिकती है? अलाउ मत करे सरकार, नहीं करना चाहिए सरकार को। दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार अलाउ बंद कर दे टी शर्टें, कमांडो लिखी, हर चीज लिखी, ये सिविलियन को मिलना बंद कर दे। हैं? ये दुनिया के ना जाने कितनी अभिनेत्रियां हमारी इस वर्दी की तोहीन करके गई। दोस्तों कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और एक चीज बता दूं कि जो भी मेरे बारे में ये सारी चीजें चर्चाएं चल रही हैं, तो ये आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। ये तो समझ में आ जाता है कि आप एक फौजी हो के आपके पास 15 बंदे हैं, और मैं एक सिविलियन बंदा हो के इतनी डिग्री लेके मेरे पास 500 बंदे हैं। तो अगर मेरे अंदर क्वालिटी है दोस्तों, तभी तो मेरे पास बच्चे आते हैं। और ये वर्दी पहनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सिविल की ड्रेस भी पहन के तैयारी करा सकते हैं। सिर्फ हम इसलिए पहनते हैं कि हमें भी देश का जुनून है, हम भी चाहते हैं। आज हमने अपना पूरा 10 साल निछावर किया फौज में जाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाए, लेकिन आज भी जुनून है। अगर आज भी कोई बंदा फौज में वर्दी पहन के आता है, ट्रेनिंग पूरी करके आता है, तो सर आंखों से आंसू आता है दोस्तों, आंखों से आंसू आता है, रियल में नहीं है। तो जो बंदे हैं उनसे पूछ लीजिएगा आप, साला अंदर से रुए खड़े होते हैं, लेकिन हम ये संतोष करते हैं कि यार अगर मैं नहीं हुआ तो ये मेरा बच्चा हो रहा है, मेरा प्रैक्टिस कराया हुआ बंदा हो रहा है। ऐसे नहीं है दोस्तों, फौज से ज्यादा जुनून हमें है। मैं ट्रेनिंग देता हूं, एक फौज का बंदा रिटायर होके आ जाता है, सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करके आ जाता है, देश सेवा करके आ जाता है, लेकिन मैं सैकड़ों बच्चों को यहां से भेज रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आज मेरा बच्चा अगर रेस करने गया है तो मैं यहाँ पे आस लगाए बैठा हूँ कि कब फोन करेगा कि सर मेरी रेस क्वालिफाई हो गई। मेडिकल देने गया तो कब फोन करेगा कि पास हो गया। मैरिट में नाम आया तो कब फोन करेगा कि मेरा मैरिट में नाम आ गया। वो बंदा आएगा, मेरा सम्मान करेगा, हर जगह मेरा कहेगा कि मैं जेडी सर के यहाँ से प्रैक्टिस करके गया था, मेरा कितना बड़ा नाम है। इसलिए देश जुनून है, और मैं ये कैप पहनता हूँ और इसका सम्मान करता हूँ, और मेरे अंदर जुनून है, मैं इसको मरते दम तक नहीं उतारूंगा। और जिसको मेरे खिलाफ कुछ करना है कर ले, मैं ये वर्दी पहनता हूं तो मुझे शौक है, मेरे अंदर जुनून है इंडियन आर्मी में जाने का। देशभक्त हूं, अपना देशभक्ति का एक एक लहू मैं इस देश के लिए निछावर कर दूंगा, और आगे आने वाले समय में मैं हजारों हजारों फौजी ट्रेनिंग करके भेजूंगा और फिट करके बंदा भेजूंगा। जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।